आधुनिकता के इस युग में जहां शहरों की चकाचौंध बढ़ती जा रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ का कसडोल शहर अंधेरे में डूबा हुआ है और इसका कारण भी बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल नगर पंचायत ने लगभग 20 लाख का बकाया बिल विद्युत विभाग को भुगतान नहीं किया है, जिसके कारण विद्युत विभाग ने कार्यवाही करते हुए शहर की लाइट ही काट दी। नतीजतन पिछले 3 दिनों से पूरे नगर में अंधेरा छाया हुआ है। 20,000 की आबादी वाले कसडोल शहर की सभी गलियों में इन दिनों अंधेरे का साया है। इसे लेकर आम जनता नगर पंचायत प्रशासन से काफी नाराज नजर आ रही है। उनके मुताबिक वो तो सभी करों का भुगतान समय पर करते हैं, लेकिन नगर पंचायत ने जानबूझकर बिल नहीं भरा, जिससे ये हालात बन गए। नगरवासी ईमानदारी से कर का भुगतान करते आए हैं और कसडोल नगर के जितने भी करदाता हैं वो समय समय पर अपना कर अदा करते हैं, लेकिन आज जो अंधेरे में कसडोल है उसका सिर्फ भुगतान कसडोल वाले भुगत रहे हैं और इसकी निष्क्रियता जो सीएमओ मैडम वर्तमान में है उसकी निष्क्रियता के कारण आज कसडोल नगर जो है अंधेरे में है। ये कहना गलत है कि नगरवासी टैक्स नहीं देते हैं। कसडोल नगरवासी ईमानदारी से समय समय पर अपना टैक्स अदा करते आए हैं, इतिहास देखा जा सकता है। और रही बात नगर पंचायत में, जब से महिला सीएमओ आई है तब से हर काम में इस सही से संचालित नहीं हो पा रहा है, जिसकी खमियाजा कसडोल नगरवासी भुगत रहे हैं। बहुत परेशानी हो रहा है, शाम को नहीं, यहाँ तो आजकल ऐसा हो गया है कुछ दिनों से कि कभी भी लाइट चला जा रहा है, दिन में, सुबह से रात में। और विद्युत विभाग कहते हैं कि तार बदल रहे हैं, नगर पंचायत कहते हैं कि अब कुछ है, और सुनने में आया है कि नगर पंचायत वाले विद्युत विभाग का बिजली बिल नहीं पटाए हैं, सुनने में आया है जी। वजह जो भी हो, लेकिन हम व्यापारियों को, नगर के नागरिकों को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो यही हाल रहा ना, तो हमें उस जमाने की याद दिला रहा है, समझ लो जिस जमाने में हम अंधेरे में अपना पूरा जीवन बसर करते थे। आज हमारा धंधा पानी लगभग चौपट के कगार पे पहुंच चुका है, कई एक मशीन ऐसा है कि खराब होने की स्थिति भी पहुंच चुका है। अच्छा, इस मामले में नगर पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का कहना है कि बकाया बिल का भुगतान करने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि इस बीच सवाल ये भी खड़ा होता है कि नगर पंचायत के द्वारा पहले से इसकी तैयारी क्यों नहीं की गई। पंजाब केसरी के लिए कार्तिक साहू की खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।